हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 31। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः, अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ ट्रांसलेशन और परपोर्ट। स्वधर्मम अपने धर्म को, अपि भी च निस्संदेह अवेक्ष्य विचार करके, न कभी नहीं विकम्पितुम संकोच करने के लिए अर्हसि तुम योग्य हो। धर्म्यात धर्म के लिए ही निस्संदेह युद्धात युद्ध करने की अपेक्षा श्रेय श्रेष्ठ साधन अन्यत कोई दूसरा क्षत्रियस्य क्षत्रिय का न नहीं विद्यते है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो श्लोका सीखेंगे हम, और अर्थ सिर्फ इतना है कि चूंकि तुम क्षत्रिय हो, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा धर्म है स्वधर्म, यानी तुम्हारा खुद का धर्म, अपना धर्म क्या है? युद्ध करना। उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है, तो तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। श्लोका उच्चारण जो है वो इस प्रकार है। स्वधर्मम एक शब्द हुआ स्वधर्मम, और दूसरा हुआ अपि। स्वधर्मम स्वधर्ममिपि मपि स्वधर्ममपि, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? स्वधर्मम अपि। फिर है च अवेक्ष्य, चावेक्ष्य, चावेक्ष्य बोल सकते हैं। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, तो उसको हम तोड़ेंगे नहीं, और वहां स्मॉल पॉज होगा। फिर न विकम्पितुम संकोच करना, विकम्पितुम वो एक ही शब्द है, और अरहसी को अलग कर देंगे, तो न विकम्पितुम अरहसी। और फिर नीचे का जो लाइन है, धर्म्यात ही, दो को मिला के बहुत डिफिकल्ट शब्द वहां दिख रहा है, धर्म्याधि, धर्म्याधि, तो ऐसा नहीं बोल के बोल करके हम क्या बोलेंगे? धर्म्यात ही, आसान, धर्म्यात ही। फिर युद्धात, युद्धात श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य, इतना सारे शब्द को जोड़ दिया है, युद्धात श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य, चार हम बोलेंगे ऐसे। धर्म्यात ही युद्धात श्रेयः, युद्धात श्रेयो, युद्धात श्रेयो भी बोल सकते हैं, श्रेय भी बोल सकते हैं, और वहां पे पॉज देना है। धर्म्यात ही युद्धात श्रेयः, पॉज, अन्यत क्षत्रियस्य, उसके बाद, पॉज के बाद। तो इसको हमने अलग अलग भागों में बांटा, चार शब्द को जहां जोड़ के बताया गया था, चारों को हमने विच्छेद कर दिया, यानी युद्धा युद्धात ही, सॉरी, हाँ, धर्म्यात ही युद्धात श्रेय, तो युद्धात श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य, युद्धात श्रेय हो गया पहला इसमें, और फिर वहां थोड़ा रुकना है, अन्यत क्षत्रियस्य दूसरा हो गया भाग, न विद्यते। तो इस तरह से हमें उच्चारण करना है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्यात ही युद्धात श्रेयः, अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, यानी कि क्षत्रियों के लिए दूसरा कुछ और इसके सिवाय कोई और स्वधर्म नहीं है कि वो युद्ध करें। स्वधर्मम चापि स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, ठीक है।
स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धाश्रय अन्य क्षत्रियस्य विद्यते न विद्यते। तो यहाँ पे यही मीनिंग है जो भगवान समझा रहे हैं, यदि वर्णाश्रम धर्म में कोई है तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का पालन अर्जुन को करना चाहिए, इसलिए भगवान उनको यह शिक्षा दे रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ठीक है, तो हमें उच्चारण कैसे करना है, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ठीक है, ऐसे करना है उच्चारण, और मेरे साथ जो है अभी वो ऑनलाइन में वो उच्चारण सीखेंगे, और आप लोग सुन सुन के उसको रिपीट करके सीख लीजिए।